हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डाइटिशियन अनुराधा और आज बात करेंगे लो बीपी पे, यानी कि हाइपोटेंशन पे। बीपी लो रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, नींद आती है, आपकी स्किन एकदम कोल्ड और पेल है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा वॉमिटिंग वाला मन होता है, लाइट हेडेक रहती है, सिर भारी, दैट मीन्स आपका जो बीपी है वो लो है और जो पल्स है वो भी बहुत कम आती है, तो करें क्या है। अब बीपी कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर कोई ऐसी मेडिसिन में भी आप खा रहे हो जो एंटी डिप्रेसेंट है या एंटी हाइपरटेंसिव है, कई बार बीपी हाई होने के बाद हम मेडिसिन लेते हैं बट उसका साइड इफेक्ट में हमारा बीपी अचानक से गिरने लग जाता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और अपने खाने में बहुत ज्यादा गैप करते हैं, मील प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते, तो आपका बीपी लो हो सकता है। आपकी ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड जितना रिकमेंडेड आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना नहीं है, या वाइटामिन बी12 डेफिशिएंसी है, वीकनेस या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी बीपी लो आ सकता है। बट अगर आप चाहते क्विकली बीपी जो है वो ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए और मुझे वीकनेस और जो टायर्डनेस फील हो रही है वो, कैफीनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी। उस समय आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा अगर आप ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी पियेंगे। इसके साथ साथ में आप अपनी डाइट में सॉल्ट इंटेक या सोडियम इंटेक बढ़ा सकते हैं, और ऐसी चीजें जिनमें सोडियम कंटेंट ज्यादा होता है उनका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बारी लो सोडियम इंटेक के कारण भी आपका बीपी गिर सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, जैसे मैंने बताया कि अगर बीपी लो है तो आपको वाइटमिन बी12 रिच और फॉलेट रिच फूड्स का इंटेक करना चाहिए, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, बीन्स आते हैं, नट्स एंड सीड्स आते हैं, और जो डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो कम हो जाएंगी और बीपी भी रेगुलाइज हो जाएगा, और अपनी जो फ्लूइड इंटेक है बॉडी का उसे भी मेंटेन करके रखें। ज्यादा देर खाने में गैप ना करें, एक रेगुलर इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा सर्विंग में खाना खाते रहें और अपनी बॉडी को हैवी या ब्लॉटेड फील ना होने करें। थैंक यू।